वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम एक गुजराती रेसिपी बनाने वाले हैं, तीखी भाखरी यानी कि मसाला भाखरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम तीखी भाखरी यानी कि मसाला भाखरी बनाने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। तो मैंने 250 ग्राम जितना गेहूँ का आटा लिया है, जो नॉर्मली हम चपाती में लेते हैं वही आटा लिया है। और सामग्री में हम देखेंगे तो आधी टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे, आधी टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ी सी मैंने हींग ली है और आधी टीस्पून मैंने जीरा लिया है। और हम तेल लेंगे, तो आटे में डालने के लिए तेल लेंगे और भाखरी को सेकने के लिए भी तेल लेंगे। तो अभी हम पहले आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने आटा ले लिया है और सभी मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी, हल्दी मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, अजवाइन, जीरा, नमक और हींग सभी मैंने एक साथ डाल दिया है। और अभी ऐसे ही हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है जिससे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। और अभी मैं इसमें तेल डालूंगी, कम करीब 2 से 2.5 टेबल स्पून जितना तेल पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर तेल थोड़ा कम होगा तो हमारी भाखरी अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगी। और कई बार गेहूं पर भी डिपेंड रहता है कि कौन से आपके गेहूं हैं, इस हिसाब से आपको तेल डालना है। तो अभी तेल डालने के बाद भी पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लूँगी। और आटा हमें नरम नहीं रखना है, थोड़ा सख्त ही रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंदेंगे। ना बहुत नरम ना बहुत सख्त, ऐसा हमें आटा गूंदना है। इस तरह से मैं आटा गूंद लूंगी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना है। इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया है और अभी मैं थोड़ा इसे मसल लूंगी। हमारा आटा इस तरह से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। और अभी मैं इसमें आधी टीस्पून जितना तेल ले लूंगी और इसे चिकना कर लूंगी। आटे को चिकना कर लेना है और फिर से थोड़ा मसल लूंगी। आटे को अच्छे से मसल लिया है और आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है इस तरह से। तो अभी मैं इसे ढक के आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अभी आधे घंटे के लिए मैं इसे साइड में रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है और हमारा आटा अच्छे से पिक चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम ना हो और आपको तुरंत ही भाखरी बनानी हो तो भी आप बना सकते हो। तो अभी हम आटे में से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आपको जिस तरह से भाखरी छोटी या बड़ी चाहिए इसी हिसाब से आपको आटा लेना है। इस तरह से मैंने ले लिया है और अभी हम इसे पेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इस तरह से हमें बेलना है। इस तरह से आसानी से हम बेल सके इस तरह से हमें आटा गूंदना है। और इसमें अजवाइन और जीरा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरह से मैंने बेल ली है और मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया है और तवे को मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है। और इस तरह से मैं इसे डाल के फिर एक तरफ से अच्छे से सिक जाए बाद में मैं दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। और अभी मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखी है। तो अभी मैं भाखरी को स्लो फ्लेम पे दोनों साइड से सेक लूँगी।
एक तरफ से हमारी भाखरी सिक चुकी है यानी कि पक चुकी है, तो अभी दूसरी साइड भी मैं इस तरह से ही पका लूँगी। और अभी मैं ऊपर तेल लगा लूँगी और दोनों तरफ से तेल से अच्छे से सिक लूँगी। और अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई कर ली है क्योंकि भाखरी दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुकी है। अच्छे से हमें गुलाबी रंग की दोनों साइड से सेकनी है। ये भाखरी हम चाय के साथ, आम के छुंदे के साथ या अचार के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। और ये ट्रैवलिंग में तो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है क्योंकि अगर हमारे पास सब्जी ना हो तो हम इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक ली है। भाखरी हमारे सेक के तैयार हो चुकी है। इसे मैं एक प्लेट में ले लूँगी और इस तरह से मैं सभी भाखरी को बना लूँगी। और इस तरह से मैंने सभी भाखरी बना के सर्विंग प्लेट में ले लिया है और इसे मैंने छुंदे के साथ सर्व किया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मसाला भाखरी यानी कि तीखी भाखरी, ये बनाने में भी बहुत आसान है।